हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूली लॉन्च्ड पबजी मोबाइल लाइट के बारे में। कितना ये लाइट है, क्या सही में ये लो एंड डिवाइसेस के लिए बना है, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यहाँ पर आपको एक क्विक गेम प्ले भी मैं दिखाऊंगा, सभी इसके फीचर्स बताऊंगा जो जो इस पबजी मोबाइल लाइट के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और अगर वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है जैसे ही आप ओपन करते हैं पबजी मोबाइल लाइट को। यहां पर थोड़ी सी मैं वॉल्यूम मंदी कर देता हूं गेम की। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जहां पर आपको कुछ फेस मिलते हैं। टोटल यहां पर 4 फेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके बाद हेयर आपको 3 मिलते हैं, उनके कलर भी आपको 3 मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर काफी कट टू शॉर्ट कर दिया गया है पबजी मोबाइल लाइट। और यहां पर हम यूजर आईडी बना सकते हैं अपनी किसी भी तरीके से, जैसे हम उसमें बनाते हैं नॉर्मली, यही प्रोसेस है। यहां पर ये कुछ इंटरफेस तो हमें सेम ही देखने के लिए मिलता है जैसे पुराने पबजी मोबाइल में मिलता था। अब यहाँ पर दोस्तों लो भी आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओवरऑल ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा डल मैं बोलना चाहूँगा बनाया गया है पबजी मोबाइल, और ये एक्सपेक्टेड भी है। दोस्तों यहाँ पर पबजी मोबाइल एक काफ़ी हाई एंड गेम है ग्राफिक्स के मामले में, और यहाँ पर वो मोस्टली डिवाइसेस में चलता नहीं है। इसी वजह से शायद से जो इसके डेवलपर हैं उन्होंने यहाँ पर लाइटर वर्जन निकाला है सभी लो एंड डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जहाँ पर सेटिंग आपको मिलती है ऊपर, जहाँ पर नॉर्मली नीचे मिलती थी। तो यहाँ पर सेटिंग में अगर हम जाएं दोस्तों तो यहाँ पर हमें सभी इसके ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स दी गई हैं जो कि नॉर्मल पबजी से काफ़ी यहाँ पर कम देखने के में लगती हैं मुझे। साथ ही साथ यहाँ पर कंट्रोल्स की बात करूँ, नॉर्मल पबजी मोबाइल जैसे यहाँ पर ये कंट्रोल्स तो देखने में लगते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी आपको ग्राफिक्स का यहां पर सेटिंग नहीं मिल रही, यहां पर इनबिल्ट ग्राफिक्स यहां पर दिए गए हैं, तो उन्हीं पर आपको ये गेम चलाना होगा। और यहां पर बाकी सभी चीज़ यहां पर नॉर्मल उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ साथ यहां पर अगर हम मैप्स की बात करें तो यहां पर आपको एरेंजल मैप मिलता है दोस्तों, या आप सोलो डुओ और स्क्वाड किसी भी तरीके से खेल सकते हैं जैसे पबजी मोबाइल में खेलते हैं। अगर आर्केड की बात करूं तो यहां पर सिंगल आपको एक ही मोड मिलता है, और इसी तरह क्लासिक में आपको एक ही मोड मिलता है। चलिए फटाफट से यहां पर एक एरेंजल में क्विक मैच करते हैं, देखते हैं यहां पर कितने अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं, पबजी मोबाइल लाइट में क्या क्या फीचर्स यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए हैं पबजी मोबाइल से। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ मुझे देखने में लग रही है चेंज, ये यहाँ पर इसकी लोबी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने में लग रही है। जहाँ पर हमें पहले एक डैमेज्ड एरोप्लेन देखने के लिए मिलता है, अब यहाँ पर हमें सीधी एक बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर कमाल की बात दोस्तों ये लगती है कि इस मैप के अंदर सभी प्लेसेस बिल्कुल ही चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर स्कूल को यहाँ पर इन्होंने स्टेडियम लिख दिया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया गया है, मैप में काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो यहाँ पर एक लाइटर वर्जन है पबजी मोबाइल का, तो इसलिए यहाँ पर पबजी मोबाइल लाइट में स्टेडियम बना दिया गया है स्कूल को, और यहाँ पर मिलिट्री बेस जैसी जगह तो कोई देखने में मिल ही नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। चलिए यहाँ पर हम भी स्टेडियम में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या उसकी बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर बिल्डिंग सेम है, बस जस्ट नाम ही यहाँ पर चेंज किया गया है। एक यूनिक चीज़ दोस्तों देखने में यहाँ लगती है कि यहाँ पर आपको टोटल जो एनिमीज़ मिलते हैं वो 100 नहीं मिलते हैं, यहाँ पर 60 आपको काउंट मिलती है टोटल की। तो दोस्तों यहाँ पर साउंड इफेक्ट तो कुछ हद तक सिमिलर ही लगता है पिछले गेम से, बाकी यहाँ पर ग्राफिक्स तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि कम होनी भी थी इसका, कुछ साइज़ यहाँ पर कम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है पबजी मोबाइल लाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस के अंदर आप आसानी से चला सकें इसे और आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत महसूस ना हो। बाकी यहाँ पर ओवरऑल गेम प्ले खेलने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी डिवाइस यहाँ पर सर्वर टाइम आउट आ चुका था, जो कि यहाँ पर मैं सोच रहा था कि पबजी मोबाइल लाइट में यहाँ पर फिक्स हो गया होगा सर्वर टाइम आउट इशू, पर यहाँ पर अभी तक भी वो बरकरार है बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ लग रही थी, बट यहाँ पर चलिए एंटर मैच अगेन करते हैं और देखते हैं कि हम कितना गेम प्ले आगे तक लेके जा सकते हैं पबजी मोबाइल लाइट के अंदर। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड का यहाँ पर कलर बिल्कुल से चेंज कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा डार्क रेड कर दिया गया है। तो ये कुछ के फीचर्स ऐड किए गए हैं यहाँ पर अलग से दिखाने के लिए, तो ये एक अलग स्पेशल बना देता है पबजी मोबाइल लाइट को पबजी मोबाइल से। बाकी यहाँ पर सभी चीज़ें नॉर्मल उसी तरीके से हैं, गन्स सभी यहाँ पे उसी तरीके से आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आवाज़ आती है स्कारल में,
तो ये कुछ अलग ही चीज़ है। बाकी इसमें बोट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक भी ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेगी पबजी मोबाइल लाइट में। तो आप यहाँ पर चैंपियन बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा यहाँ पर गेम प्ले खेल कर अपनी केडी को आप मेनटेन कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर रैंक बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके पबजी मोबाइल लाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है और यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस के लिए बनाया गया है। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई दीजिए। बाकी अगर आपको और भी PUBG मोबाइल लाइट से रिलेटेड वीडियोस देखनी तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।